इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। दूत पत्रिका लेकर विश्वामित्र बाबा के मार्गदर्शन से अवधेश के पास आए। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने बहुत बहुत स्वागत कराया उनका। पत्रिका गुरु शरण में पधारी है। गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दिया, राजन जैसे नदियां स्वभावतः समुद्र की ओर जाती है, यह सिद्धांत है मानस का, ठीक से जैसे नदियां स्वभावतः समुद्र जी की ओर धीरे धीरे खिंचती खिंचती चली जाती है, उसी प्रकार धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सारे सद्गुण और सुख अपने आप खींचते खींचते चले आते। जीवन कैसा हो, धर्ममय हो, हम में विवेक जागे, हम धर्म को, धर्म के चार चरण हैं, सत्य, दया, तप और दान। सत्य, दया, तप और दान। कलिकाल में एक धर्म शेष है, सत्य हम कितना बोलते हैं, हमसे अच्छा हमारे बारे में कौन जानेगा। सत्य, दया कितना है मन में हृदय में, हमसे अच्छा कौन जानता है। तप हम कितना कर पा रहे हैं इंद्रियों से, मन से, शरीर से, तो छोड़िए, महीने में एकादशी करने को कह दिया जाए तो तुरंत लोग पूछते हैं, बाबा दोनों करना है कि एक। दोनों, अच्छा दोनों, अच्छा काका खाना है, ये नहीं कहेंगे काक नहीं खाना है, एकादशी भी करनी है और खाने की पूरी योजना बनानी है। तो अब हमारी तप की स्थिति ये है, जबरन तप हो नहीं सकता, अपनी इच्छा हो तभी तप हो सकता है। इसलिए सत्य, दया और तप, ये तो गए, बचा कौन, हाँ तो दान। गोस्वामी जी कहते हैं, जैन केन विधि दीन है, दान करई कल्याण। जैसे भी करो, प्रेम से लेकर करो, कह के न करो फिर करो, अथवा झटक के फेंक के करो, जैन के विधि दीन है, कल्याण होता है। ये धर्म का चौथा चरण कलिकाल में उपस्थित है, यथा विधि जितना हम कर सकते हैं करना चाहिए। दूसरा, यदि जान पर न आ जाए तो सत्य का पालन करते रहना चाहिए, केवल गौ को बचाने के लिए, गौ माता को, किसी बिटिया के विवाह में 10% 10% मंदिर निर्माण में, यज्ञ के आयोजन में, भगवान के लीला महोत्सव में 10% आप अस्पताल के निर्माण में, असत्य के साथ जाने पर भी हम सत्य के साथ ही रहते हैं। इन 5 कार्यों को करते समय यदि थोड़ा थोड़ा झूठ भी निकल जाए तो लिखा पढ़ी में वो काउंटेबल नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए असत्य के साथ नहीं जाना चाहिए। ये तो हम नहीं बताएंगे कि कहां कहां झूठ बोला जा सकता है, लेकिन ये अवश्य आपको बता दिए कि कहां कहां थोड़ा यदि बोलना पड़े तब भी वो धर्म माना जाता, उसकी सजा नहीं है। धर्मशीलता से जो जिएगा उसके पास सुख रूपी नदियां डगरते डगरते अपने आप चली आएंगी। जो धर्म में जिएगा वो कभी दुखी नहीं रहेगा, अधर्म सुख नहीं देता, धर्मशीलता दुख नहीं। चौपाई देखिए, जिम सरिता सागर मोह जाहि,
तिम सुख संपत्ति भी नहीं बोला धर्मशील जो रहेगा उसके पास सब सुख संपत्ति अपने आप डगरती चली आएगी। धर्म को पकड़ के रखना है, धर्म में रहना है, धर्म से च्युत नहीं होना, एक सूत नहीं। जितना हो सके पर उपकार करिए, पर उपकार वचन मन काया। संत सहज स्वभाव सहज स्वभाव संत भगवान का। संत कौन? अरे आप जैसे, कोई अलग से कोटि थोड़ी है। हमारे भारतवर्ष में गृहस्थ संत अनेक भय, अनेक संत, तुकाराम जी, संत एकनाथ जी, संत नरसिंह भगत जी, संत कबीरदास जी, गृहस्थी संत गोस्वामी जी, संत भगत रविदास जी, अनेकानेक संत भगवान भय जो सदगृहस्थ भय। अरे हम तो नहीं कर, क्यों नहीं कर सकते भाई, हम क्यों नहीं हो सकते संत भगवान? आज भी धर्म का लोप न हो, त्याग न हो, सुख आएगा। गुरुदेव ने कहा, राजन जैसे आप हैं वैसे तीनों देवियां हैं। कोई भी हमारे आप में जो धर्म के साथ जिएगा वो जीवन में कभी दुखी रह नहीं सकता। और जिसने धर्म का पल्लू छोड़ा वो सुखी होके भी दुखी ही रहेगा, भले वो दिखाता रहे कि हम बड़े सुखी हैं। धर्म का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। धर्म ही जीवन है हमारा आपका। काका सुमंत्र जी परमात्मा से कहते हैं, प्रभु श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने कहा था रथ ले जाइए, चार दिन वन दर्शन कराकर वापस लाइएगा, तो फेरा भी हो जाएगा और वन भी हो गया। तो प्रभु ने कहा, काका जी, महाराजा रंतिदेव, महाराज शिवी, महात्मा राजा दधीची, इन लोगों ने, महाराज मांधाता, महाराज दिलीप, धर्म के लिए इन्होंने कितना बड़ा से बड़ा त्याग किया कि धर्म और सत्य का रक्षण हो। और आज हमको ये अवसर आया है तो हम इसका त्याग कर दें? हे तारा, आ पंक्ति देखिए, एक झकझोर देता है हृदय को ये प्रसंग। धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दोसर सत्य समान।
परखिए ही समय सुहाए। हमारी आपकी परीक्षा कब होती है? जब हमारे पर असमय अर्थात विपत्ति काल आता है। विपत्ति में सब कुछ छोड़ना चाहिए, केवल सत्य और धर्म को पकड़े रहना चाहिए। ये दोनों विपत्ति को समाप्त कर देते हैं। और जैसे आग में छोड़ देने पर स्वर्ण अपने चमक को और बढ़ा लेता है, उसी प्रकार सत्य और धर्म के साथ विपत्ति की अग्नि में प्रवेश करने पर भी साधक भगत जीव और चमक करके बाहर निकल के आते हैं। हमको ये दोनों नहीं त्यागना। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।